हिटमैन की जमकर हुई तारीफ। पूर्व कप्तान ने कहा, रोहित बन सकते हैं विश्व का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स और पूर्व धाकड़ ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बाद हिटमैन रोहित शर्मा विश्व के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज बन सकते हैं। गावस्कर ने एक अखबार के लिए अपने कॉलम में लिखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज एक तरफा रही, लेकिन रोहित शर्मा का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। गावस्कर ने कहा कि विंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में रोहित शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऐसा पहले वीरेंद्र सहवाग करते थे। एक बार वीरू का बल्ला चला तो उसे रोकना नामुमकिन होता था। वीरू को भी बड़ा शतक जमाने की भूख थी। जब वीरू किसी गेंद को मैदान से बाहर मारने की कोशिश में आउट हो जाते थे तो मैदान में बातें होना शुरू हो जाती थीं। रोहित भी जब कोई लापरवाह लगने वाला शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है। लिटिल मास्टर ने आगे कहा, उनके आउट होने के बाद प्रतिक्रिया की अगर समीक्षा की जाए तो पाएंगे कि इसके पीछे हमारा खुद का स्वार्थ होता है, क्योंकि हम इन्हें लगातार बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते देखना चाहते हैं। उन्हें लगातार बल्लेबाजी करते देखने का हमारा ही लालच होता है और इसलिए जब वे आउट हो जाते हैं तो हम काफी निराश होते हैं। हम घंटों उन्हें लगातार बल्लेबाजी करते देखना पसंद करते हैं। पूर्व कप्तान ने साथ ही कहा कि सफेद गेंद के समान अगर रोहित शर्मा लाल गेंद से भी धमाकेदार पारियां खेलेंगे तो विव रिचर्ड्स और वीरेंद्र सहवाग के बाद वे विश्व के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज कहलाएंगे। सचिन, लारा, पोंटिंग जैसे महान खिलाड़ी भी रहे जो अपना दिन होने पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ सकते थे और उन्होंने कई मौकों पर ऐसा करके भी दिखाया, मगर इनमें से कोई भी इन दोनों के जितना क्रूर नहीं था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच रविवार को होने वाले तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय के बारे में गावस्कर ने कहा कि कुलदीप यादव को आराम दिया गया है। ऐसे में स्पिन विभाग की जिम्मेदारी युजवेंद्र चहल के कंधों पर होगी, जो कैरेबियाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में उलझाकर टीम इंडिया को 3-0 से जीत दिलाने की कोशिश करेंगे।